हेलो एवरीवन, आप सब लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिश लवर जसबीर। आज आ गए शुभोदय के घर। ठीक है, शुभोदय कुछ सिलेक्टिव गोल्ड फिश दिखाएगा। ठीक है, तो कौन से फिश दिखाएगा आप सब लोगों को दिखाऊंगा, तो आप सब लोग देखते रहो। तो डायरेक्टली शुभोदय से बात कर लेते, तो आप सब लोग वीडियो के साथ बने रहो। तो दादा कैसे हो आप? बढ़िया है, आपका? बोलिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमारे व्यूअर्स को कौन से फिश आप दिखाओगे? आज बेसिकली मेरा तो गोल्ड फिश से शुरू होता है, गोल्ड फिश से खत्म। तो आज हम ट्राई कलर पांडा ये सब कलेक्शंस दिखाएंगे, बिग साइज एंड ऑल स्मॉल साइजेस। तो ये सब क्या मिल जाएगा अगर कोई चाहते है? हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा। तो प्राइस क्या रहेगा थोड़ा सा? प्राइस मेरा अभी जो स्टार्टिंग प्राइस है 200 से लेकर 2000 तक आपको स्टॉक मिल जाएगा। 200 से स्टार्टेड। अगर आपका प्राइस क्वायरी है तो मेरा नंबर में इनबॉक्स कीजिएगा एंड स्क्रीन शॉट। तो हाँ, बोल देंगे। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख ही लिया मतलब कितना कम प्राइस में दादा फिश दे रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको 200 पे भी मिल जाएगा, तो आप सब लोग डायरेक्ट दादा से बात करो। तो चलिए फिश देखते हैं कितना सारा फिश आप सब लोगों को हर एक फिश शो करेंगे, तो आप सब लोग वीडियो देखते रहोगे। तो दादा ये कौन सा फिश है? ये आपका ट्राई कलर। ट्राई कलर ना, इसका टेल है आपका रोस्ट टेल में, देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया 4 इंच साइज है इसका। तो व्यूअर्स लोग इसका क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी। हाँ दादा, आज आप सब लोगों को एकदम सिलेक्टिव फिश दिखाएगा कुछ। हाँ। बहुत बढ़िया। इसका साइज क्या रहेगा दादा? इसका 4 इंच। 4 इंच साइज हो जाएगा ना। और ये क्या अभी ब्रीडिंग पेयर है आपके पास अगर कोई चाहता है? हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, ये फीमेल है। फीमेल। तो व्यूअर्स लोग जेली देखिए कितना बड़ा जेली है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है फिश। आपको अगर चाहिए आप डायरेक्ट दादा से बात करके ये सारे फिश ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दादा। तो व्यूअर्स लोग अभी आप सब लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश दिखाऊंगा, तो दादा दिखाइए। तो देखो कितना बढ़िया फिश है। तो दादा इसका नाम क्या है? ये आपका पांडा है, मंकी फेस पांडा। इसका फेस देखिए आप, इधर ये। हाँ, मंकी फेस पांडा। तो व्यूअर्स लोग क्वालिटी देखो। हाँ दादा बोलिए। इसका साइज है 5 इंच साइज है। 5 इंच साइज है। विदाउट टेल। हाँ, टेल देखिए, बहुत बढ़िया। और दादा ये क्या शॉर्ट बॉडी के अंदर है? हाँ, ये शॉर्ट बॉडी के अंदर है। ये थोड़ा पॉम टाइप का है। हाँ देखिए, मतलब सामने। हाँ, उसका सामने जो ये झुरिया जो जिसको बोलते हैं, आप सब लोग देखो कितना बढ़िया है, कितना एक्टिव है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आप सब लोग को डे लाइट पे दिखा रहा हूँ, आप सब लोग कैसा लग रहा है वीडियो काइंडली कॉमेंट करके बोलना। और आप सब लोग को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो दादा ये अभी सेलिंग के लिए है ना? हाँ, ये सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए है। ठीक है दादा, तो दूसरा फिश दिखाइए। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखो ये है और एक पांडा। तो दादा से ही पूछ लेंगे, दादा बोलिए। ये है लेमन हेड ब्लैक पांडा, देखिए। लेमन हेड ब्लैक पांडा 4 इंच। हाँ, कलर ऐसा देखिए, बहुत बढ़िया कलर, चैबलिन फेस। हाँ, फेस देखिए इसका, फेस देखिए व्यूअर्स लोग। इसका भी टेल है, बटरफ्लाई टेल। बटरफ्लाई टेल के अंदर है, बटरफ्लाई टेल। हाँ, तो ये अभी पेयर में आपके पास अवेलेबल है ना? हाँ हाँ, कोई पेयर में चाहे तो क्वालिटी देखिए, ये मेल है। हाँ, बहुत बढ़िया। और साइज क्या होगा दादा? इसका साइज है 4 इंच। 4 इंच साइज है ना। ठीक है दादा, ये आपका एपाची में है। हाँ, तो व्यूअर्स लोग एक्टिवनेस देखो फिश का कितना ज्यादा एक्टिव है। हाँ दादा बोलिए। इसका साइज है लगभग 3 इंचेस। हाँ ठीक है, ये देखिए शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल में है। तो व्यूअर्स लोग देखो क्वालिटी, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल अपाचे। इसका हेड देखिए, रेट पूरा बहुत बढ़िया। हाँ, और जेली और भी बढ़ेगा ना दादा? हाँ, बड़ा होने पे। छोटा है अभी। हाँ, इसका एज क्या होगा दादा? इसका एज है 6 मंथ। 6 मंथ। तो 6 मंथ का मछली देखिए व्यूअर्स लोग कितना बढ़िया क्वालिटी। ठीक है, तो दादा ये क्या अभी आपके पास अवेलेबल है क्वांटिटी पे? अगर बहुत सारे स्टॉक्स है। हाँ, अगर कोई क्वांटिटी पे चाहते है होलसेल में चाहते है दे पाओगे ना? ठीक है दादा, तो व्यूअर्स लोग क्वालिटी और एक्टिवनेस देख सकते हो फिश का, लाजवाब। ठीक है, आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलो कैसा लगा। ठीक है, बोलिए दादा। ये इसका कलरेशन थोड़ा यूनिक है। हाँ? ये आपका ग्रे कलर में है। ग्रे कलर ना। हाँ, टेल पूरा वाइड है आप देखिए। हाँ, ये पूरा ग्रे कलर का ऊपर है। हाँ, इसका हेड देखिए, बहुत बढ़िया है, कलर में है देखिए। साइज भी है 5 इंच साइज। 5 इंच साइज।
टेल इसका भी बटरफ्लाई है। हाँ, बटरफ्लाई टेल आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग, थोड़ा सा बटरफ्लाई टेल थोड़ा सा अगर बोल देते कैसे समझे हमारे व्यूअर्स लोग। देखिएगा जो बटरफ्लाई का लुक होता है ना, हाँ ऐसा टाइप का आता है, ऐसा टाइप ना, तो आप सब लोग देखिए व्यूअर्स लोग बटरफ्लाई लुक। हाँ पूरा बटरफ्लाई में, तो क्वालिटी देख सकते हो व्यूअर्स लोग, और फिश कितना हेल्दी है आप सब लोग देखो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से आप सब लोग को दिखाता हूँ उसका क्वालिटी, तो देखो व्यूअर्स लोग कितना बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। तो देखिए दादा साइज क्या हो जाएगा फिश का, ये 5 इंच का, 5 इंच साइज हो जाएगा ना, मेरा हाथ का ऊपर मत दे, मेरा हाथ बहुत लंबा है। नहीं नहीं ठीक है, हाँ तो आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग बहुत बढ़िया क्वालिटी, ये मेल है, ये मेल है ना, इसका फीमेल भी मिल जाएगा अगर कोई चाहेगा। ठीक है, तो दादा यहाँ पर कौन से फिश दिखाई दे रहे हैं, इसका और भी बहुत सारा साइज का मिल जाएगा। हाँ ये पूरा ब्लैक और अंडा है। हाँ ठीक है, इसका साइज है 4 इंचेस, 4 इंच साइज ना, बहुत बढ़िया जेली आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग। इसका भी बटरफ्लाई टेल है। हाँ ये देखिए टेल देखिए बटरफ्लाई। हाँ ये ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर, ये आपका पांडा है। हाँ ये 3.5 इंच का साइज है। हाँ 3 इंच, 3 इंच ना, इसका पांडा है, इसका जेली और भी बढ़ेगा। हाँ, बड़ा होने पर, और इसका फेस बहुत बहुत ही बढ़िया फेस, आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग। इसका टेल कलर दे ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी आपका बटरफ्लाई टेल में है, बटरफ्लाई टेल ना। और दूसरा ये आपका अपाची में है, ये देखिए अपाची, देखिए व्यूअर्स लोग बॉडी शेप देखिए फिश का, बॉडी शेप बहुत बढ़िया है। ठीक है आप सब लोग अगर, हाँ शॉर्ट टेल, इसका टेल है रोस्ट टेल में, ये देखिए ये बटरफ्लाई रोस्ट टेल में ना, देखिये और जैसे भी पूरा। हाँ आप टेल एक बार वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। आप सब लोग अगर क्वालिटी पहचान तो आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलना दादा का फिश का क्वालिटी कैसे है। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखिए ये शॉर्ट बॉडी ब्लैक है, तो दादा बोलिए कुछ इसके बारे में। ये आपका शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल है देखिए। हाँ इसका बॉडी से भी देखिए बहुत बढ़िया है, शॉर्ट बॉडी पूरा। हाँ। शॉर्ट टेल, तो व्यूअर्स लोग क्वालिटी देखिए, आ रहा है देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है, इसका टेल देखिए कितना छोटा है। हाँ ये शॉर्ट बॉडी के अंदर ना, ये शॉर्ट बॉडी। हाँ तो क्वालिटी देखिए और आप सब लोग कमेंट करके बोलिए। बिग साइज ब्लैक, बिग साइज ब्लैक, ब्लैक और एंडा बिग साइज। हाँ और भी दिखा रहा है। हाँ ये भी जेट ब्लैक में, तो आप सब लोग देखिए व्यूअर्स लोग जेट ब्लैक, इसका ब्लैकिश कलर आप सब लोग देख सकते हो बॉडी में, पूरा जेट ब्लैक देखिए। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये भी आपका जेट ब्लैक में है, फिश का एक्टिवनेस देख सकते हो व्यूअर्स लोग, ये भी जेट ब्लैक में है, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल में, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल। तो ये आपका रेड एंड ब्लैक में है, ऑरेंडा ना दादा, ऑरेंडा है, ट्राई कलर में आ जा रहा है, ट्राई कलर में आ रहा है। तो इसका साइज क्या रहेगा, 3 इंच है, अगर टेल लेते तो 4 इंच हो जाएगा, विदाउट टेल 3 इंच है, 3 इंच ना, ये देखिए टेल देखिए इसका बहुत बढ़िया, ये आपका रोस्टेल में आ रहा है, रोस्टेल में ना। हाँ तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखिए ये छोटा साइज के अंदर है, दादा बोलिए कुछ इसके बारे में। ये देखिए अपाची पैटर्न में है। हाँ शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल। हाँ छोटा साइज, इसका हेड देखिए आप, स्मॉल साइज आप सब लोग, हेड देखिए व्यूअर्स लोग जेली का साइज, इसका लगभग 3 इंच साइज है। ठीक है ये देखिए बहुत बढ़िया, ये पांडा, ये देखिए व्यूअर्स लोग ये पांडा है, तो इसका टेल देखिए, टेल बहुत बढ़िया है और बॉडी शेप भी देख सकते हैं कितना बढ़िया। दादा पांडा के मेल फीमेल में अगर कोई चाहिए तो मिल जाएगा ना, अभी स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है ये देखिए अपाची में, ये अपाची है, अपाची का कलर देखिए व्यूअर्स लोग बहुत बढ़िया, एक्टिवनेस देख सकते हैं व्यूअर्स लोग कितना ज्यादा एक्टिव है फिश। ठीक है आपको अगर चाहिए आप डायरेक्ट दादा से कॉन्टेक्ट करो, ये सारे फिश मिल जाएगा। तो पांडा देखिए व्यूअर्स लोग ये छोटा साइज के ना, साइज का है। हाँ ये देखिए शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल पांडा, तो व्यूअर्स लोग शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल पांडा देख सकते हो बहुत बढ़िया बॉडी शेप आप सब लोग देखो व्यूअर्स लोग। ये जंबो साइज में है। हाँ और भी बड़ा होगा। हाँ इसका कलरेशन देखिए, इसका साइज क्या होगा दादा मिनिमम बड़ा होने पे, इसका 4 से 5 इंच आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसका साइज है 3.5 इंच, 3.5 इंच। हाँ ये जॉइंट ब्लड लाइन में है। हाँ ये एक अपाची देखिए। तो व्यूअर्स लोग अपाची का क्वालिटी देखिए, और ये सारे अपाची दादा के पास अभी अवेलेबल है, बहुत सारे क्वांटिटी पे अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए आप डायरेक्ट दादा से
कॉन्टेक्ट करके ये सारे फिश ले सकते हो। तो दादा अभी क्या डिलीवरी हो रहा है आपके? हाँ, डिलीवरी हम कर दे रहे हैं। हाँ, डिलीवरी ये डिलीवरी। हाँ, ऑल इंडिया बेस्ड डिलीवरी होता है क्या? हाँ, ऑल इंडिया हो रहा है। हो रहा है ना, ठीक है दादा। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग वीडियो देखते रहिए, आपको डिटेल्स में डिलीवरी के बारे में आप सब लोग बोल दूंगा। आज सब पूरा अपाची कलेक्शंस में है मेरा। तो आप सब लोग देखिए व्यूअर्स लोग, अपाची का कलेक्शन हेड देखिए। दादा थोड़ा सा जेली दिखाई हमारे व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स लोग जेली देखिए, लाजवाब क्वालिटी, ठीक है, फिश का। तो आप सब लोग स्पेसिफिकली फिशेस दिखाऊंगा, ठीक है, स्मॉल साइज फिश कौन सा है दादा के पास। तो दादा बोलिए फास्ट, जो फिश हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कौन सा फिश? ट्राई कलर में है, लेमन हेड ट्राई कलर। ट्राई कलर ना? हाँ दादा बोलिए। ये ट्राई कलर में है, ठीक है, छोटा साइज का। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखिए, बहुत बढ़िया जेली देखिए, कितना खूबसूरत। तो दूसरा फिश दिखाइए, ये भी आपका ट्राई कलर है, 3 से 3.5 इंच साइज है इसका। तो तेल पूरा ब्लैक है, इसका जेली और बाकी बॉडी शेप और भी बड़ा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये छोटा साइज में, छोटा साइज में। आप सब लोग क्वालिटी देखो, ये देखिए। तो ये देख सकते हो, ये शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल में है, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल। क्वालिटी देखो भैया, सब छोटा साइज में है, स्मॉल साइज का फिश। तो एक यूनिक फिश दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, उसका खाली बॉडी शेप देखिए, कलरेशन देखिए। तो व्यूअर्स लोग बॉडी शेप देखिए, छोटा में देखिए। हाँ, और कलर देखिए व्यूअर्स लोग, कितना बढ़िया कलर है, ट्राई कलर, ट्राई कलर के अंदर वेरी यूनिक। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखो, स्मॉल साइज पांडा। तो दादा इसके बारे में कुछ बोलिए। ये एकदम छोटा साइज का पांडा है। हाँ, बट पांडा में इसका कलर है एंड क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया कलर, आप सब लोग देखो, ठीक है, एकदम छोटा साइज। हाँ, ये 2 इंच का साइज है, 2 इंच साइज में। आप सब लोग क्वालिटी देखो, ये देखिए, ये आस्ते आस्ते ये थोड़ा अपाची पैटर्न में आएगा। हाँ, ठीक है, ये छोटा में इसका कलरेशन देखना, बॉडी से एक साकुरा है, सकुरा, ठीक है, सकुरा मींस दादा, ये साकुरा एक गोल पीस का और एक जाद होता है, तो ये साकुरा का है। तो ये अभी एक पीस ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स लोग सकुरा भी आप सब लोग देख सकते हो, इसको बहुत छोटा लाया था, बड़ा हो गया अभी, बड़ा। तो व्यूअर्स लोग आप सब लोग देखो, कितना यूनिक एक फिश, जो लोग क्वालिटी पहचान तो वो लोग समझ रहे हो एक फिश का क्वालिटी क्या है। तो दादा आप बोलिए इसके बारे में कुछ। ये देखकर आपको भी समझ में आ रहा है, इसका बॉडी शेप देखिए, बहुत बढ़िया बॉडी शेप, इसका टेल देखिए, शॉर्ट टेल शॉर्ट बॉडी में है, कलरेशन देखिए अभी। तो व्यूअर्स लोग देखिए, वेरी यूनिक कलर, मतलब इतना दिन से हम गोल पीस कर रहे हैं, तो इसका कलरेशन हमको सबसे अच्छा लगा है, दिस वेरी यूनिक कलर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एंड कलर। आप सब लोग देखो और बॉडी शेप देखो भी, लोग मेनली फिशों का बॉडी शेप जो होता है तो देख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स लोग ये जो सेटअप आप सब लोग को दिखाया, ये सेटअप में दादा का जो स्मॉल साइज का फिश मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी स्मॉल साइज का फिश है, आप लोग अगर बिगेनर हो, आपको थोड़ा मतलब कम प्राइस में फिश चाहिए, ठीक है, फिश स्टार्टिंग पे रखने के लिए क्वालिटी फिश, तो दादा से ये सारे फिश ले सकते हो। आप सब लोग देखो फिशों का क्वालिटी कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर सारे स्मॉल साइज का, और आप सब लोग देख सकते हो ये दादा का दूसरा सेटअप, जो सेटअप पे दादा का जो है सारे बिग साइज का या बड़ा साइज का जितना भी फिश है सारे दादा जो है यहाँ पर रखा है। तो दादा बहुत अच्छे से जो है ये सेटअप किया है, ठीक है, आप सब लोग भी घर पे ऐसे सेटअप कर सकते हो। कैसे करोगे, इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए आप दादा से फोन करके आप जान सकते हो, ठीक है, और वीडियो पे एंड पे भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग क्वालिटी देखो, फिश कितना हेल्दी है, फिश को इतना देर से हम लोग जो है फिश को शो कराया, आप सब लोगों को दिखाया, फिर भी फिश कितना एक्टिव है देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फिश अगर चाहिए आप डायरेक्टली दादा से कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट नंबर में वीडियो के एंड पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप सब लोग देख लेना। लोग आप सब लोग देख सकते हो अपाचे। तो दादा अपाचे के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा सा बोलिए। ये देखिए आपका अपाचे पूरा शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल में है, ठीक है, आप बॉडी शेप थोड़ा दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया बॉडी शेप। तो अपाची कलेक्शन मेरे पास अभी भी बहुत सारा स्टॉक है। हाँ, अगर किसी को रिक्वायर है मुझे पिन कीजिए एंड व्हाट्सएप एंड कॉल कीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे के अंदर। तो दादा अपाची के प्राइस क्या रिजनेबल हो जाएगा ना, अगर हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिशों का क्वालिटी, और आप सब लोग कमेंट करके बोलिए इसका। अभी ज्यादातर मेरा ब्लैक एंड अपाची कलेक्शन ही है, पांडा है मेरे पास, ब्लैक अपाची कलेक्शन और पांडा। और अगर छोटा साइज का ट्राई कलर चाहिए तो बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है दादा। और भी मेरा सेटअप है, तो आप सब लोग दादा से कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। तो शुभ दादा, जितने भी फिश हम देखे, हमारे व्यूअर्स लोग देखे, ये सारे फिश अभी अवेलेबल है ना? हाँ, अभी अवेलेबल है।
ये सारे फिश अगर हमारे व्यूअर्स लोग कोई बाहर से तैरते चाहते हैं, ठीक है, बाहर का स्टेट, तो कैसे मिलेगा उनको? ये डिलीवरी पॉसिबल है, स्टेशन डिलीवरी पॉसिबल है, स्टेशन एंड बाय बस डिलीवरी पॉसिबल, कुरियर पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, कुरियर, स्टेशन डिलीवरी, स्टेशन डिलीवरी ना। तो डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा अगर बोल देते, मतलब कैसे चार्ज वगैरह? फर्स्ट बता दे रहा, जैसे आपका लोकेशन होगा, जहाँ लोकेशन उसके हिसाब से पैकेजिंग चार्ज ऑलमोस्ट सब लेकर शिपिंग चार्ज वो पड़ जाएगा, तो उसका कोई ठीक नहीं है। स्टार्टिंग वही 400-500 से स्टार्ट हो जाता है। और क्वांटिटी क्या लेना पड़ेगा अगर बाहर? देखिए, बाहर अगर जा रहे हैं तो मिनिमम 6 पीसेस क्वांटिटी, 6 पीस ना। हाँ ठीक है दादा, तो बीएस लोग आप सब लोग ले सकते हो दादा से फिश। तो दादा, फिश के बारे में आप थोड़ा सा टिप्स वगैरह आप देना चाहते हो अगर व्यूअर्स को हमारे? देखिए, गोल्डफिश जो होता है ना, हाँ, वो एक्चुअली मैनमेड फिश होता है। हाँ, तो इट्स वेरी सॉफ्ट, हाँ, सॉफ्ट काइंड ऑफ फिश। तो गोल्डफिश में बहुत सारा आपका तबीयत, मतलब जो होता है वो दिखाई देता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ही है। उसका मेडिसिन ज्यादातर कुछ यूज नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली अगर जो विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन के लिए गोल्डफिश के लिए बहुत केयरिंग जरूरत है, ठीक है, क्योंकि गोल्डफिश मिनिमम टेम्परेचर उसका 26 रहना चाहिए, उससे कम नहीं। तो उसमें से क्या होता है, गोल्डफिश में फिन व्हाइट स्पॉट दिखा देता है, फंगस आता है, तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते थर्मोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर 26-28 रखना चाहिए। गोल्डफिश इज अ कोल्ड वाटर फिश, बट जो लास्ट ईयर गया था हम लोग का विंटर सीजन में 12 सेंटीग्रेड बहुत कम गिर गया था, हाँ, तो इफेक्ट होता है, हाँ, फिश को। तो इसलिए पैसे ही तैयारी कर लीजिए, और फीडिंग थोड़ा कम खिलाइए तो, हाँ, अच्छा होगा, क्योंकि अभी जस्ट वेदर चेंज हो रहा है, हाँ, तो जैसे हम लोग का भी तकलीफ होता है, बुखार होता है, वेदर चेंज में, ऐसे भी फिश का भी होता है, नॉट ओनली फॉर गोल्डफिश, ऑल ऑफ फिशेस में ही आता है। तो इसलिए वाटर थोड़ा चेंज कीजिए, मेंटेन करके खाना कम दीजिए, तो गोल्डफिश आपके लिए बेटर रहेगा। और भी गोल्डफिश एक यूनिक फिश है जो आई कैचिंग फिश है। आप जितना भी फिश कीजिए, फिश रखिए, बट गोल्डफिश इज अ वेरी क्यूट फिश एकदम। तो आप कोई भी मूड, आपका टेंशन है, मुझे आप घर में आकर जस्ट एक बार देख लीजिए, आपके लिए शांति मिलेगी। गोल्डफिश हम तो सजेस्ट करके कोई भी करता है, मतलब हॉबीज है, गोल्डफिश पालिए, लाइफ का आधा टेंशन दूर हो जाएगा एकदम दादा। तो एकदम सही बात बोला, तो आप सब लोग गोल्डफिश पालिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को। तो दादा, आपका थोड़ा सा डिटेल्स शेयर कर दीजिए, कांटेक्ट डिटेल्स। तो मेरा लोकेशन आप लोग को पूरा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जैसे अगर आप सियालदह से आ रहे हैं, सियालदह स्टेशन से, तो उधर से जस्ट ऑटो पकड़िए, तुलसिया ऑटो, उधर में आकर हमको कॉल कीजिए, उधर से 5 मिनट है, 5 मिनट। अगर आप पार्क सर्कल स्टेशन से आ रहे हैं, उधर से भी मेरा 5-10 मिनट है, हाँ, मेरा होम लोकेशन। हाँ, आप बाईपास से भी आ सकते हैं, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, मेरा जो लोकेशन है मिडिल में। हाँ, तो मुझे कॉन्टेक्ट करके आइए, घर में आकर विजिट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आइएगा, एडवांस में हमको कॉल कर लीजिए, ठीक है दादा। और डिलीवरी भी पॉसिबल है, अगर नियरेस्ट लोकेशन में होता है, उबेर, रैपिडो डिलीवर, पोर्टर डिलीवर इज पॉसिबल, ठीक है दादा। तो दादा, आपका नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9674316700। मेरा एक ही सिंगल नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग टाइम आपका बोल देता हूँ, मैं सुबह से तो उठ जाता हूँ, पर मुझे 10 बजे का बाद कॉल कीजिए, और रात 10 बजे का अंदर, ठीक है। कुछ भी अगर आपको रिक्वायर है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट विद व्हाट्सएप, ठीक है दादा। तो दादा, बहुत सारे लोग बहुत सारे फीडिंग कर रहे थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारे फीडिंग है, तो आप क्या बोलोगे गोल्डफिश को कौन सा खाना देना चाहिए? देखिए, गोल्डफिश के लिए ज्यादातर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है सिंकिंग पैलेट्स, हाँ, ठीक है। सिंकिंग मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में बोल दीजिए। में देखिए, जो फ्लोटिंग होता है, जो ऊपर में रहता है, तो गोल्डफिश ऊपर उठकर फूड खाता है, उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, ज्यादातर गोल्डफिश स्विम ब्लैडर में डिजीज होता है, स्विम ब्लैडर, उनका स्विम ब्लैडर ऊपर में जाकर खाने से स्विम ब्लैडर एयर पास हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए गोल्डफिश के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आपका सिंकिंग पैलेट, और गोल्डफिश का स्टोमच नहीं रहता है, तो डायरेक्ट उसका डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो खाता है और क्लीन हो जाता है, तो उसके लिए सिंकिंग पैलेट है। जैसे बहुत सारा ब्रांड होता है, ब्रांड का आमतौर ब्रांड नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, आप गोल्डफिश को अगर खिला रहे हैं रिजनेबल प्राइस में, इकारी का फूड खिला सकते हैं, इकारी सिंकिंग पैलेट,
चिकन हिकारी फूड और एक होता है अगर थोड़ा आप ज्यादा प्राइस में जाने चाहते अच्छा ऑप्शन हाँ। जो मैं पहले खिलाता था साकी हाँ। हिकारी साकी साकी हिकारी उसका ग्रोथ एंड कलर के लिए पर्पल कलर का पैकेट होता है। अभी जो मैं खिला रहा हूँ वो है हल्स हल्स एम्पोरियर दिस वन ठीक है ये दिस फूड इज फॉर ओनली फॉर कलरेशन ये इसका कलरेशन के लिए हम खिला रहे हैं ये हल्स और भी मेरा होम फूड होता है जो स्प्रोलिना श्रीम एग्स देकर हम बनाकर खिलाते हैं तो ये सभी फूड रहता है बट हम सजेस्ट करेंगे गोल्डफिश के लिए वाटर ऑलवेज क्लीन जैसे आपका डिस्कस कर रहता है ऐसे ही सेम एज यूजल गोल्डफिश के वाटर क्लीन ठीक है। अगर वाटर क्लीन भी नहीं है अगर एल्गी रहेगा और भी अच्छा है बट वाटर ऑलवेज क्लीन रहना चाहिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहना चाहिए। फिल्टर यूज कीजिए अगर आपका नहीं हो रहा है नॉर्मल सम यूज कर लीजिए कैनिस्टर से नहीं तो कैनिस्टर ये सब यूज करने से आपका गोल्डफिश आपका साथ बहुत साल जी सकता है। ठीक है दादा मेरे पास अभी भी एक फिश है जो 5 साल हो गया मेरे साथ। वाह बहुत बढ़िया। और दादा ये क्वांटिटी कितना देना चाहिए फिश का? देखिए खाने का गोल्डफिश का जो बात है उसका गोल्डफिश जब भी आप दीजिए तब खाएगा आपको हम अभी दिखा दे रहे हैं ठीक है अभी उसका फीडिंग टाइम भी हो गया। हाँ तो व्यूअर्स लोग लाइव फीडिंग दादा कर रहा है आप सब लोग देखो ये सब आ गया एक जगह। हाँ तो व्यूअर्स लोग देखो कितना एक्टिव है ठीक है तो देखो। मेरा गोल्डफिश को मैं अच्छे से रखने के लिए जैसे देखिए मैं जो सेलर सेल करता हूँ बट मैं उसको पैर करता हूँ एकदम अगर पैर नहीं करूँगा तो हम कर नहीं पाएगा। हाँ, पॉसिबल नहीं है। जितना अच्छा फूड होता है हम खिला सकते हैं उसको खिलाते हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट कस्टमर का पास भी जाकर अच्छे से रहे अच्छे से रहे तो मेरा कस्टमर को भी हम अच्छा फूड सजेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से रख पाए। हाँ। बहुत सारा कस्टमर मुझे वीडियो शेयर करते हैं कि आपका फिश कलरेशन भी अच्छा आया अच्छा है चेंज हुआ है ठीक है। तो और एक बात है गोल्डफिश को जो मैं खिलाता हूँ वो बेसिकली इसको हम 4 to 5 times हम खिला पाते हैं 4 to 5 times। हाँ मेरा मॉर्निंग 8 बजे एक स्लॉट हो जाता है एक होता है 10 या 10:30 एक होता है दोपहर को हम नहीं रहते तो मेरा मम्मी खिला देता है और हम रात को आकर खिलाते हैं लेकिन कम अच्छा खाना देना चाहिए ना। कम खाना बार बार करके तो इसमें मेरा गोल्डफिश एक्टिव भी रहता है अच्छा रहता है। तो व्यूअर्स लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात दादा ने बोला है ठीक है आपको कम खाना देना है लेकिन बार बार देना है ठीक है तो आपका फिश जो है एक्टिव रहेगा। हाँ दादा बोलिए। आज मेरे पास जो आप जितना ब्लैक फिशेस देख रहे हैं ना ब्लैक गोल्ड फिशेस हाँ। बहुत सारा कस्टमर का क्वेरी रहता है क्या बहुत सारा कस्टमर भी बोलता है एट अ टाइम मैं भी ये फेस किया हूँ बहुत पहले कि ब्लैक का कलर चेंज हो जाता है ठीक है मतलब फेडेड हो जाता है ठीक है तो ब्लैक का कलर फेडेड हो जाता है कलर फेड होता है ना तो उसका भी रीजन है अगर आपका वाटर क्लीन नहीं रहेगा कोई भी मछली का आपका कलर चेंज हो जाएगा तो आप वाटर क्लीन कीजिए तो आपका गोल्डफिश के लिए बहुत बेटर रहेगा बट वाटर क्लीन भी एक मिनिमम टाइम रहता है आप फीडिंग देने के बाद थोड़ा बहुत जो जितना वो लोग कुक कर रहे हैं हाँ। वो क्लीन कर लीजिए बस वही काफी है हाँ। तो आपका वाटर क्लीन रहेगा बस। तो व्यूअर्स लोग दादा ने आप सब लोगों को डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दे दिया हाँ। आप सब लोग और एक सजेस्ट हम करेंगे जो लोग गोल्डफिश जैसे मेरे पास से अगर लेना चाहता है किसी से भी और जो लोग नया हॉबीज के पहले आप उतना महंगा फिश मत खरीदिए हाँ। क्योंकि क्या होता है आपको पहले टैंक सेटअप करना टैंक सेटअप करके नॉर्मल लोकल गोल्डफिश क्योंकि गोल्डफिश ज्यादा बैक्टीरिया रेडी करता है हाँ। तो एक नॉर्मल लोकल गोल्डफिश रखकर आप बैक्टीरिया पानी का रेडी कीजिए उसके बाद आप एक महीना बाद कुछ अच्छा फिश लीजिए क्योंकि वो रख पाएगा हाँ। नहीं तो आपका फिश डेड हो जाएगा एकदम न्यू टैंक सेटअप पे जब हाँ, फिश रखेगा हाँ, ना। दादा ने ये भी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला है हर एक सेलर ये नहीं बोलते ठीक है आपको जो एक एक्वेरियम शॉप पे जब हम विजिट करेंगे वहाँ पर एक्वेरियम शॉप जब नया एक्वेरियम देगा उस टाइम पे ही बोलेगा फिश ले लो ठीक है बट उस टाइम फिश लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम आप पानी रेडी कीजिए हाँ पानी रेडी करना चाहिए उस टाइम आप पानी रेडी कीजिए एक दो हफ्ता लगा दीजिए फिश भी रेडी कीजिए क्योंकि आप जो फिश रखेंगे वो तो आपका मर जाएगा तो आपका क्या फायदा हुआ ठीक। तो व्यूअर्स लोग आप दादा जो भी टिप्स आप सब लोगों को बोला ऐसे आप करो ठीक है आपका फिश हेल्दी रहेगा और दादा से कांटेक्ट करो कोई भी फिश अगर चाहिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा ठीक है।
अगर आप कोई भी फिश अगर सोचिए नया जगह से खरीद रहे हैं, नया जगह से खरीदने के बाद वो को तो पहले आपको पानी में सीजन करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 30 मिनट्स रख दीजिए, सीजन करके 2 दिन उसको फीडिंग मत दीजिए, ठीक है, आफ्टर 2 डेज उसको फीडिंग दीजिए तो फिर आपका अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब उसका स्टोमक में जो भी आप जहाँ से लेकर खरीद कर लेकर आ रहे हैं आपको पता नहीं वो क्या खाता है, कौन सा फूड खाता है, अगर आप 2 दिन बाद उसको वो भूखा रहेगा, एक एक्चुअल फैक्ट जो होता है वो 2 दिन तक भूखा रहेगा, फिर वो डायरेक्टली आपका फिश पका फूड पका लेगा। गोल्ड फिश के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, जो एरोना है फ्लावर ऑन है ये लोग तो 1 महीना भी हो जाता है खाता नहीं है, गोल्ड फिश तो आप अभी दीजिए, जब भी दीजिए तब खाएगा, ठीक। तो व्यूअर्स लोग ये सारे काम करिए, आपका फिश बहुत हेल्दी रहेगा, ठीक है, और आप अच्छे से जो है फिश मतलब जो हॉबी के साथ रहोगे, ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आप डायरेक्टली ये जो वीडियो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, दादा वो वीडियो का कमेंट का रिप्लाई भी देने की कोशिश करेगा, ठीक है, आप दादा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये बोलना है आज लग ही रहा है मेरा फिशेस कितना खाते पीते हैं, बहुत ही अच्छे से फिश एकदम साथ में रहिएगा तो और भी कलेक्शन एकदम आप लोग दादा को सपोर्ट करो, दादा से कॉन्टेक्ट करो, करके ये सारे फिश लो, ठीक है,